नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। चलेगी 2600 ट्रेन और 36 लाख लोग करेंगे सफर रेलवे में। जी हां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 1 मई के सबसे पहले रेलवे ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया था। इसके बाद ही रेलवे ने किसी भी स्टेशन से ट्रेन चलाने की तैयारी किया है। राज्यों को कहा गया है कि जहां से उन्हें जरूरत है वहां से ट्रेन चलाई जाएगी। 20 मई को सबसे ज्यादा ट्रेन यानी कि 280 ट्रेनें चलाई गई। पिछले 4 दिनों में 2600 ट्रेन चलाई गई है। 80% यात्री यूपी बिहार से हैं। रेलवे चेयरमैन ने बताया कि यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने 80% यात्रा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर 10 दिनों के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। अगले 10 दिन में करीब 2600 ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें करीब 36 लाख यात्रा सफर कर पाएंगे। दूसरी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन में इनकम डाउन होगा और बैंक में जमा पैसे भी घट सकता है ब्याज। जी हां, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 22 मई को पॉलिसी रेट में कटौती किया है। रेपो रेट में 40 घटाकर 4% कर दिया गया है। जिन लोगों ने कर्ज लिया है उन्हें तो भी इस फैसले का फायदा होगा, खास करके वो लोग जिन्होंने अपना कर्ज रेपो रेट से लिंक कराया है। लेकिन जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग में पैसा जमा किया है उनको बैंकों से मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। इससे पहले आरबीआई ने मार्च में भी रेपो रेट कटौती किया था। लॉकडाउन जब से चला है तब से अब रेपो रेट में करीब 115 पॉइंट की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती किया गया है जिसमें 4.4% से लेके 4% किया गया है। खबर निकल के आ रहा है कोविड-19 के बारे में। जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल पहला चरण काफी ज्यादा कामयाब हो चुका है। 8 लोगों पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया था जिसमें सभी लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिला और सुरक्षित पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ह्यूमन ट्रायल का अगला फेज बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा जिसमें और से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाने वाला है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाली मॉडर्न पहली कंपनी है और वैक्सीन डेवलपमेंट में जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक नया तरीका है जिसमें वैक्सीन बनाने के वायरस से जेनेटिक्स मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अब तक वैक्सीन तैयार करने के लिए ये प्रयोग में नहीं किया जाता था, यानी कि बहुत जल्द ही कोविड-19 का वैक्सीन मिलने वाला है। चौथा खबर भी पूरी तरह से चीनी वायरस पे ही आ रहा है। जी हाँ, भारत में कोरोना से अब तक 1,25,101 मामले आ चुके हैं और करीब 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में करीब 6,654 नए मामले सामने आए हैं जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 23 मई की सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 1,25,101 मामले की पुष्टि हुई जिसमें 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 किलोमीटर सफर 500 रुपए की साइकिल से तय किया। पिता के साथ हुए हादसे के बाद पढ़ाई छोड़ी थी, अब शुरू करेगी पढ़ाई। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने इस फोटो को ट्वीट किया है। जी हाँ, लॉकडाउन ने लाखों प्रवासी को इधर से उधर कर दिया। इस दौरान कई कहानियां देखने और सुनने को मिल रही है। कई सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यास पैदल चलकर अपने घर लौट रहे हैं। इसी में दरभंगा की एक बेटी जो अपने बीमार पिता को 10 मई से दिल्ली के लिए चली थी और 16 मई को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने 7 दिन में करीब 1200 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया है। ज्योति सात समुद्र पार अमेरिका भी पहुंच चुका है। तभी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इमका ने भी उन्हें ट्वीट पर सहराया है। खबर किसानों के लिए आ रही है। जी हाँ, किसानों के लिए बेहद ही राहत की खबर है। खरीद फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एमएसपी करीब 2.9% बढ़ाई जा सकती है। धान की कीमत और मक्का बाजार को देगा मुनाफा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार खरीद फसल के लिए खरीदारी के लिए एमएसपी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ने अपनी सिफारिश सौंप दिया है। अब इन सिफारिश को मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि एमएसपी की सिफारिश पर अमल होता है तो किसानों को फसल पर ज्यादा मुनाफा होगा और जिसकी आय में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि धान की एमएसपी करीब 53 रुपए बढ़ाने की सिफारिश किया जा रहा है। ईटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी ने खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश किया है जिसमें धान की फसल सबसे प्रमुख है। यदि एमएसपी की सिफारिश मान लिया जाता है तो धान की एमएसपी 53 रुपए प्रति क्विंटल रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से समान धान की एमएसपी को बढ़ोतरी करके 1815 रुपए से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश किया गया है। दाल की भी एमएसपी बढ़ाई जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक सीएसपी के प्रस्ताव को लेकर फूड एवं अन्य संबंधित मंत्रालय को साथ विचार परामर्श कर रही है। इसके बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि सामान्य तौर पर एमएसपी की सिफारिश पूरी तरह से मान लिया जाता है।